नमस्कार दोस्तों, टेक्निकली टेक बॉस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे NPCI लिंक यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके लिए दोस्तों आज आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्योंकि आज के डेट में किसान रजिस्ट्रेशन जो हुआ था, किसान का सुखाड़ का जो पैसा आने वाला था, इसको लेके हमारे बहुत कस्टमर जो है जो परेशान है, और उसमें से वो कस्टमर परेशान है जिनका अकाउंट जो है आज एक साल पुराना है, एक से डेढ़ साल पुराना है, उनका आधार भी अपने अकाउंट से लिंक है लेकिन NPCI लिंक नहीं बता रहा है, जिसकी वजह से उनका पैसा नहीं आ पा रहा है। तो मेरे पास भी काफी सारे कस्टमर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसका वीडियो ही बना के आप लोगों को बता दूं कि कैसे NPCI लिंक करवाना है। तो दोस्तों ब्रांच से भी हो जाता है, लेकिन ब्रांच से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है होने में, क्योंकि हम बार बार वहां पे डॉक्यूमेंट दे रहे हैं लेकिन इतना भारी मात्रा में डॉक्यूमेंट जा रहा है कि वहां पे उन लोग भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं करने में। तो चलिए दोस्तों आज कैसे करेंगे इसको जानने से पहले, अगर अभी तक आपने टेक्निकल रितिक बॉस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करने के बाद ही मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों हम सीधा चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि आज हम ऑनलाइन के माध्यम से NPCI लिंक करना जानेंगे। और इसमें साथ साथ जो है दोस्तों की अगर आधार कार्ड अगर लिंक नहीं है तो हम आधार भी वहीं से लिंक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए हम बैंक ऑफ बड़ौदा के पोर्टल पे आ चुके हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा के पोर्टल पे दोस्तों आप देख रहे होंगे कॉर्नर में एक अपडेट आधार का ऑप्शन है। तो आधार अपडेट का ऑप्शन जो है उस पर हमें क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे आ जाते हैं KYC वेरिफिकेशन अपडेट। और यहाँ पे नीचे इसमें एक और बेनिफिट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो आधार से जो लिंक होता है अकाउंट उसमें तीन माध्यम से होता है। तो आप सबसे पहले थोड़ा सा इसको मैं समझा दूं कि उसमें कैसे कैसे होता है। तो इसमें ऑथराइजेशन माय आधार विथ UID एंड लिंक आधार माय अकाउंट फॉर AEPS ट्रांजैक्शन ओनली। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जो एक सिर्फ आधार आप लिंक करेंगे तो AEPS का जो सुविधा है सिर्फ वही मिल पाएगा, और वहीं पे दूसरा जो है ऑथराइजेशन माई आधार विथ UID एंड लिंक माई आधार टू योर अकाउंट टू बोथ DBT एंड AEPS ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे जो है दोस्तों की जो अगर आप DBT यानी बोथ आधार रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ से आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो इसमें दोस्तों आपको NPCI भी इनेबल हो जाएगा, और जो गैस का सब्सिडी आता है उसके लिए भी इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और चीज है दोस्तों कि अगर आप अगर गैस का सब्सिडी इस बैंक में नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ AEPS के माध्यम से आप एक बैंक को रखना चाहते हैं कि सिर्फ मैं पैसा निकालूंगा और जमा करूंगा, आपको गैस का सब्सिडी इसमें नहीं मंगाना है, तो आप जो है सिर्फ AEPS अपडेट कर दीजिए, आपका गैस का सब्सिडी यहाँ पे नहीं आएगा। और वहीं पे तीसरा नंबर जो है दोस्तों ऑथराइज माई आधार विथ UID एंड लिंक माई आधार टू माई अकाउंट फॉर नॉन ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों जो है जो आप आधार को लिंक कर सकते कर दीजिए, लेकिन जो है आपको AEPS और कोई भी उसमें सुविधा नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका जो है आधार लिंक जो उस अकाउंट से रहेगा। तो ये तीनों बेनिफिट जो है दोस्तों की आपको ऑनलाइन पोर्टल में मिल जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इसको कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले जो है ये मैं यहाँ पे लॉगिन कर रखा हूँ इसलिए आ जा रहा है, और मैं इसको देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको अकाउंट नंबर डाल देना है। तो जैसे मैं अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर टाइप कर दे रहा हूँ, और उसके बाद जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर वही डालें जो अकाउंट से लिंक है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। उसके बाद आपको जनरेट OTP कर देना है। तो देखिए जनरेट OTP कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे डिटेल्स इनकरेक्ट डेड ID नॉट मैच, तो फिर से हो सकता है मेरा अकाउंट नंबर गलत डाल गया होगा, और मोबाइल नंबर हम फिर से डाल लेते हैं। और ये देखिए उसके बाद हमारे मोबाइल पे एक OTP भेज दिया जाएगा, तो मैं अपने मोबाइल में OTP देख लेता हूँ। तो देखिए मेरे मोबाइल में OTP भी आ गया है, और OTP मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और उसके आगे प्रोसेस देखते हैं।
और यहाँ पे हम कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लीज प्रोवाइड द एबव डिटेल्स ब्लू डिटेल्स, तो यहाँ पे जो आपका कस्टमर आईडी है वो कस्टमर आईडी दिख जाएगा, और उसके बाद आप ऑटोमेटिक जो आपका अगर आधार लिंक है तो वो आधार नंबर आपको यहाँ ऑटोमेटिक शो कर देगा। तो चलिए हम यहाँ पे बोथ करने वाले हैं, हमारे को एनपीसीआई भी लिंक चाहिए, तो हम यहाँ पे बोथ पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके और उसके बाद गेट ऑथराइज ओटीपी, यानी आपको अब जो है आधार का जो आधार को वेरीफाई करना है। आप जो आधार बनाते समय जो आधार में नंबर दिए थे आप उस पर आपका एक ओटीपी आएगा, वो वेरीफाई करवाना है। तो चलिए हम यहाँ पे आधार ओटीपी पे वेरीफाई करते हैं, और ये देखिए हमारा यहाँ पे इंटर द ओटीपी रिसीव द मोबाइल, तो हमारा ओटीपी यहाँ पे मोबाइल पे फिर से भेजा गया है, तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, अभी तक आया नहीं है। तो ये जो दोस्तों जो आधार का जो ओटीपी आने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन अभी मैं बहुत जल्द आ गया है ओटीपी, तो मैं ओटीपी आधार का यहाँ पे फिल कर देता हूँ। और ओटीपी डालने के बाद फिर से मैं यहाँ पे कंफर्म कर दे रहा हूँ, और कंफर्म करने के बाद आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, और पूरा डिटेल्स आने के बाद आप यहां से कुछ एडिट नहीं कर पाएंगे, कि कुछ भी आप एडिट अगर करना चाहें तो आपका यहां पे कुछ एडिट नहीं होगा, तो आप सीधा इसको सबमिट कर दें। देखिए मैं मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वगैरह कुछ अगर एडिट करना चाहता हूं तो यहां पे कुछ एडिट नहीं होगा, और यहां पे सीधा हमें सबमिट कर देना है। तो देखिये सबमिट करने के बाद सेलेक्ट अकाउंट है इतना, योर रिक्वेस्ट फॉर आधार लिंकेड ऑथराइजेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुल एंड विल बी वेरीफाइड द करंट ब्रांच। तो ये जो है दोस्तों कि हमारा ब्रांच में जो है इसके लिए रिक्वेस्ट जा चुका है, वहां से ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। मैंने पहले किया था दोस्तों और हमारा 2 दिन के अंदर ही वेरीफाई हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी बता दूं। अगर करने के बाद अगर नहीं होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो मैं दूसरा कोई तरीका इसके लिए ढूंढूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।